करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि क्या हम जन्नत को ख्वाब में देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो क्या इसके बारे में उलमाए रोया, ख्वाबों के जो उलमा हैं, वो कुछ ताबीरात बताते हैं। तो जनाब, जन्नत को ख्वाब में देखा जा सकता है, अहदीस मुबारका में भी ये बात आती है। और अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, जो सहाबा कराम के बाद इस फ़न के बादशाह हैं, उन्होंने भी इसकी ताबीरात जिक्र की हैं। गो कि जन्नत को ख्वाब में देखना ऐसा नहीं है कि गोया जन्नत में रहना, वो एक ग्लिम्स है, वो एक किसी भी तरफ इशारा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में बहिश्त का देखना अल्लाह ताला की तरफ से खुशी और खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उदखुलूहा बिस्सलाम आमिनीन, के इसमें सलामती और अमन के साथ दाखिल हो जाओ। अच्छा, इसी तरह बाज़ लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि जन्नत से कोई चीज़ खा लेते हैं, या इन्हें दी जाती है, या दिखाई जाती है और इन्हें दी भी जाती है और ये खा भी लेते हैं। तो अब जिस कदर खाया है उसी कदर इल्म दानिश और दीन से फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, बाज़ लोग ख्वाब में हूरों को देखते हैं, तो इससे मुराद ये होगी कि जब वक्त अखीर होगा तो वह आसान होगा, और अगर देखते हैं कि बहिश्त में है तो सही पर वीरान है, तो ये दलील है कि फसाद और गुनाह की तरफ माइल होगा। और अगर ख्वाब में ये देखे कि बहिश्त इस पर बंद कर दी गई है, तो इसका यह है कि माँ बाप इससे नाराज़ हैं। और अगर ये देखे कि बहिश्त के पास जाकर वापस कर दिया गया है, तो यानी मौत की बीमारी में गिरफ्तार होगा पर शिफा पाएगा। इसी तरह अगर कोई देखे कि जन्नत की नेमत जैसे शराब और दूध वगैरह हो गई है, उसे पीने से इसे मना कर दिया गया है, तो यानी ये इसके दीन की तबाही की दलील है, क्योंकि वहाँ पे तो वो चीज़ जायज़ है, किसी जायज़ चीज़ का इसे इस्तेमाल मना कर दिया गया है, तो इसकी वजह ये। अच्छा, फिर अल्लाह ताला का फरमान भी है कि वमन युशरिक बिल्लाह फ़कद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो अल्लाह ने इस पर बहिश्त को हराम कर दिया है। इसी तरह अगर हौज़े कौसर से पानी पिया है, तो दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर देखे कि अच्छी जगह बुलंद जगह पर बैठा है और बहिश्त की सूरत है, और वो जानता है कि बहिश्त है, तो दलील है कि बादशाह आदिल के साथ या अमीर के साथ या बुजुर्ग आलिम के साथ मुसाहिबत करेगा। और अगर देखे कि बहिश्त की तरफ जाता है, तो दलील है कि राह हक पर रहेगा। इमाम जाफिर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में बहिश्त का देखना 9 वजह पर है। उनमें से एक तो यह है कि इल्म, दूसरी यह है कि ज़ोहद, तीसरी यह है एहसान, चौथी यह है कि खुशी, और पांचवी बशारत, और छठी अमन, और सातवीं खैर व बरकत, आठवीं नेमत, और नवीं सआदत। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बहिश्त में है, तो दलील है कि दोनों जहान की मुरादें पाएगा और इसके हाथ से बहुत खैर का काम होगा। और अगर खुद को मुसल्ला देखे, तो दलील है कि बीमारी या बला में मुब्तला होगा, चुनाचे अहले बहिश्त का सवाब पाएगा और आलिम होगा, और लोग इसके इल्म से नफा पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।